सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें अपन को गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और टेन ए अपॉन टेन बी इज इक्वल टू के अपॉन वन। तो जब अपन इस इक्वेशन में कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो अपने पास जो इक्वेशन आती हुई दिखेगी आपको वो होगी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी विच इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो अपन टेन ए को साइन ए अपॉन कॉज ए भी लिख सकते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉज ए प्लस साइन बी अपॉन कॉज बी अपॉन साइन ए अपॉन कॉज ए माइनस साइन बी अपॉन कॉज बी विच इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। जब आप एलसीएम लेंगे कॉज ए कॉज बी, नीचे भी कॉज ए कॉज बी का, तो आपको जो इक्वेशन ऊपर दिखाई देगी वो होगी साइन ए कॉज बी तो कट जाएगा ऊपर और नीचे से, जो होगी साइन ए कॉज बी माइ प्लस कॉज ए साइन बी अपॉन जो यहाँ पे कॉज ए कॉज बी रहेगा वो नीचे वाले से कट जाएगा, नीचे आएगा सिर्फ साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी विच इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। ऊपर आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता हुआ दिख गया होगा, तो ये होगा साइन ए प्लस बी और नीचे आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता दिख गया होगा ए माइनस बी विच इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। और अपन को शुरू में ये कंडीशन दी है जी की है दी है जो ए प्लस वन है ए प्लस बी है वो सी के इक्वल है, तो अपन थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, इसको इधर ले जाओ और ये जो होगा वो डिवाइड में आ जाएगा इधर नीचे, मतलब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और के प्लस वन डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के माइनस वन अपॉन के प्लस वन, ये मतलब इधर चला गया और ये इधर, ये नीचे और ये ऊपर हो गया साइन सी। तो ये आपको आंसर आता हुआ दिख गया।